स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विथ माय गार्डन में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो आप जो ये प्लांट देख रहे हो दोस्तों, ये बहुत ही शुभ पौधे की नज़र से दोस्तों देखा जाता है। वैसे दोस्तों इसका नाम सुनकर भी आप जरूर ही आप पहचान ही जाओगे। वैसे दोस्तों इसको जस्टिसिया या तो जस्टिका नाम से इसका बोटनिकल नेम है, और ज़्यादातर दोस्तों इसे शुभ शांति का पौधा के लिए पहचाना जाता है। मतलब ये है दोस्तों कि वैसे इसके दोस्तों अनगिनत नाम है, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से पहचाना जाता है, पर ज़्यादातर सुख शांति का पौधा ये बुलाया जाता है। और दोस्तों इसे वासा भी बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ नाम में एक नाम निर्गुंडी करके है, उसके साथ ही दोस्तों ये पहचाना जाता है। तो इसका नाम ही दोस्तों ऐसा है कि मन को सुकून मिले, तो ये है दोस्तों शुभ शांति का पौधा। ऐसी मान्यता है कि दोस्तों ये घर के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। वैसे भी दोस्तों इसके होने से दोस्तों अच्छी ग्रीनरी रहती है, और सुंदर छोटे छोटे दोस्तों इसमें फ्लावर भी होते हैं। विशेष तो दोस्तों इसका आयुर्वेदिक में भी काफ़ी सारा महत्व दिया है, मेडिसिनल वैल्यूएशन वाला ये पौधा है दोस्तों। तो इस पौधे की दोस्तों वेराइटी तो एक से ज़्यादा देखी जाती है, तो ये प्लांट में थोड़ी वेरिएशन भी दोस्तों आपको देखने को मिल सकती है, ख़ास करके इसके पत्तों में या तो इसके फ्लावर में। कुछ वेराइटी में दोस्तों पत्ते होते हैं वो ड्यूल कलर के आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके जो फ्लावर होते हैं उसमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। ये पौधा दोस्तों घर के मेन गेट पे या तो मेन दरवाजे के लिए दोस्तों ज़्यादातर ये बहुत ही अच्छा माना गया है। कई जगह पर दोस्तों हेज के रूप में भी इसे लगाया जाता है, किसी जगह पर बॉर्डर पे हो दोस्तों तो उस जगह पर भी ये प्लांट है वो लगाया जाता है। बहुत ही छोटे छोटे दोस्तों इसमें फ्लावर बनते हैं। खास तो दोस्तों इसको हमने गमले में ग्रो किया है, तो ये मीडियम बड़ा गमला में दोस्तों ग्रो करना अच्छा होता है, और ये अच्छा खासा भूसी भी बन जाता है जो दोस्तों ग्राउंड में इसे ग्रो किया जाए। और मिट्टी की भी बात करूँ उसके बाद दोस्तों आपको इसको प्रोपोगेशन के बारे में भी मैं इस वीडियो में ही बताने वाला हूँ। तो मिट्टी में दोस्तों एक पार्ट है वो गार्डन सॉइल, एक पार्ट है वो बालू प्रकार की मिट्टी का हमें मिक्सरण है वो तैयार कर लेना चाहिए, खास करके दोस्तों जब हम इसे गमले में ग्रो कर रहे हो। वैसे दोस्तों सभी प्रकार की मिट्टी में ये ग्रो हो सकता है, खास करके जब भी ये ग्राउंड में हो, कोई स्पेशल मिट्टी इसके लिए आपको तैयार नहीं करनी पड़ेगी दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसको हरा भरा रखने के लिए आपको पिंचिंग या तो प्रूनिंग है वो जरूरी करते रहना चाहिए। अभी तो ये प्लांट है दोस्तों अच्छा खासा फ्लावरिंग पर है, तो ये पूरी ताकत है दोस्तों वो फ्लावरिंग पर ही लगा रहा है, इतना भूसी रहा नहीं है अभी ये प्लांट। तो इसके फ्लावर दोस्तों हो तो इसे भी आप हटा सकते हो, खास करके सूखे जब भी ये फ्लावर हो, तो इसको पिंचिंग ऊपर से करते रहिए दोस्तों अच्छा भूसी बनाने के लिए। तो ये ग्रोथ पर दोस्तों बहुत ज़्यादा फ्लावर हो तो ग्रोथ पर नहीं आता है, तो सूखे फ्लावर है इसे हटा देना चाहिए, और पिंचिंग है दोस्तों करनी चाहिए, तो इसे दोस्तों ग्रीनरी इस प्लांट की ग्रोथ है वो अच्छी बनी रहेगी। वैसे दोस्तों ये प्लांट कटिंग से अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है, छोटी सी कटिंग लगा दी जाए दोस्तों तो भी उसमें रूट है वो अच्छी तरह से डेवलप हो जाते हैं। खास करके दोस्तों बारिश के सीज़न में ये करना चाहिए, काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं दोस्तों। ये सीड से भी ग्रो हो जाता है, मैंने कभी किया नहीं है, पर सीड से भी ये प्लांट ग्रो हो जाता है। सबसे आसान तरीका है दोस्तों, यदि कहीं नहीं मिलता है तो आप कोई भी नज़दीकी नर्सरी से ये परचेस कर सकते हो, ज़्यादातर नर्सरियों में ये प्लांट है वो देखा जाता है। कटिंग दोस्तों ग्रो करना हो तो 3-4 कटिंग ही ग्रो कीजिए, कुछ रिजल्ट ना मिले तो भी दोस्तों ये कट प्लांट तो बन ही जाएगा। वॉटरिंग की बात करूँ तो ये मीडियम पानी में रिक्वायरमेंट वाला पौधा है, ओवर वॉटरिंग ना करें दोस्तों, इससे पत्ते वो जड़ जाएंगे, धूप को अच्छी खासी तरह से बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन जब बहुत तेज धूप में ना रखें दोस्तों, खास कर गर्मियों के सीज़न में, और पेस्टिसाइड का कभी कभी दिक्कत हो जाती है, खास कर मलीबर्ग वगैरह, तो उससे भी दोस्तों थोड़ा संभल कर इसे प्लांट को बचाना चाहिए। और घर के लिए बहुत ही ये सुख शांति का पौधा है वो बहुत ही अच्छा होता है। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।